वेलकम प्यारे दोस्तों तथा विद्यार्थियों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने मेरे से ही MBA की एजुकेशन प्राप्त की। SV ट्यूशन में उन्होंने स्टडी प्राप्त की तथा जून 2012 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने UGC नेट क्लियर कर दिया। तो आइए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन पिंकल जी। थैंक यू सर। तो आज हम इनसे कुछ मोटिवेशन प्राप्त करेंगे। पिंकल जी, ये बताइए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में UGC नेट क्लियर किया है मैनेजमेंट सब्जेक्ट जी सर। में, आपने कैसे इसकी तैयारी की UGC नेट के लिए, बताइए। सर, UGC नेट के लिए मेरा बेसिक फंडा जो था, ये था सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, इन्होंने कहा सबसे पहले सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी किया। की मैंने 2 महीने के लिए 2 घंटे फ्री टाइम निकाला अपना, हाँ जी, उसको मैंने टारगेट करके चला हूँ हाँ जी, और उसी के लिए मैं क्लियर किया है। ठीक और दूसरा, मेरे टीचर्स की गाइडेंस, मेरे है। पेरेंट्स का मोटिवेशन, इसने मेरे लिए बहुत काम किया है। मींस मोटिवेशन जो पेरेंट्स का होता है और टीचर्स का होता है, वो एक बहुत बड़ी पावर होती है किसी चीज, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। आप उसमें देखते हो कि एक तो कॉमन टेस्ट होता है, जी सर। उसके लिए आपने कैसे तैयारी की है, जिसमें 10 टॉपिक्स होते हैं, वन टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, जी सर। उसके लिए आपने क्या, मतलब कि जैसे एक मैथमेटिकल लॉजिक होता है, उसको कैसे आपने तैयारी की उसकी। सर, उसके लिए मैंने एक तो बुक ली है ट्यूबमैन की, हाँ अच्छा, आपने एक किताब खरीदी जी, है, और बाकी मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो काफी ठीक, के लिए उसमें कवर हो गया था, अच्छा, उसमें काफी ये कवर हो गया, कवर हो गया था। तो ठीक उसके है, बाद मैं इसको प्रिपेयर करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग दी, शेड्यूल ठीक, बनाया, थोड़ा अच्छा, इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा किया, ठीक, वेबसाइट वेबसाइट वगैरह यूज करके प्रॉपर यस, मेजर। अच्छा, आपने जो दूसरे दो पेपर थे, पेपर हाँ जी, दो और पेपर तीन, हाँ जी, वो टोटल मैनेजमेंट से संबंधित थे, उसकी तैयारी के लिए क्या आपने जो पिछले बुक्स थी है, आपकी MBA की बुक्स, उसको स्टडी किया या कुछ नोट्स थे आपके पास। सर, उसी के लिए मैंने जो MBA में पहले पढ़ी थी बुक्स, हाँ वही जी, किया, जो मैंने MBA नोट्स बनाए थे, खुद ही वही रिवाइज किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा उसमें मैंने। और आपकी ट्यूशन में जो गाइडेंस मिली थी, उसको मैंने यूटिलाइज किया, तो आगे रिजल्ट दिया है। यानी जो टीचर्स आपको समझाते हैं वो इनफ है आपको किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए, सिर्फ आपको उसको समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं, तथा आप UGC नेट ही नहीं है, IAS का एग्जाम हो, चाहे कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम हो, उसमें आप क्लियर कर सकते हो। तो अब आप ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। मैनेजमेंट तो एक बहुत फास्ट ही फील्ड है वास्ट फील्ड है, उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेना है आपने, अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट को टीच करना है, पर्सनल मैनेजमेंट को टीच करना है, तो आप किस एरिया में टीच करना चाहोगे। सर। मेरा एक बेसिकली प्रोफेसर बनना है, यस यस, और मेरा जो बेसिकली परफेक्ट सब्जेक्ट है, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स को मानता हूँ मैं, और यस, मार्केट मैनेजमेंट को मानता हूँ मैं, इन दोनों फील्ड में आगे बढ़ना चाहूँगा। आप मतलब कि पर्सनल मैनेजमेंट में और मार्केटिंग मैनेजमेंट में आगे बढ़ना जी चाहोगे, जी तो ये तो होगी आपकी भविष्य की इच्छाएं। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि थैंक यू भगवान सर, आपको एक अच्छा टीचर बनाए, इस देश को एक अच्छा टीचर दे। थैंक यू सर। अब एक लास्ट क्वेश्चन, जो नए स्टूडेंट हैं, MBA कर रहे हैं या MCOM कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहोगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे। मैसेज तो मैं यही देना पाऊंगा, देना चाहूंगा कि अपने टारगेट फिक्स करें और सेल्फ स्टडी पे जोड़ दें। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए कोई भी टारगेट अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। और बाकी अपने पेरेंट्स और गाइडेंस, पेरेंट्स और गुरु की गाइडेंस ध्यान रखें और सेल्फ स्टडी जरूर करें। थैंक यू सर। आप SV ट्यूशन में आए, ठीक है, हमसे आपने स्टडी प्राप्त की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर। परमात्मा करे कि हर एक उस विद्यार्थी को जो लगन से स्टडी करता है उसको बहुत ही ऊंचाइयों में लेके जाए, यही मेरी बेस्ट विशेष है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।